हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है किरण सिंह मैम, उनका जो एक आउटलुक है ना इतना विशाल है और इतना आगे की तरफ देखता है, इसलिए हम सबको ये आज मौका मिला ये सबको आप लोगों को करने के लिए, तो उनको एक बहुत बड़ा धन्यवाद। सबको नमस्ते मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मैम। बीच बीच में वीडियो में एक एक मैसेज देती थी कि जैसे मुझे उसमें से एक अच्छा लगा कि मैम बोले कि आप मतलब जैसे हम बच्चे को बोलते हैं जाओ ड्राइंग करो, जाओ ये करो वो करो, लेकिन वो मतलब हम जब उसके साथ बैठते हैं चलो हम ड्राइंग करते हैं, चलो हम ये करते हैं, मतलब हम जब उसके साथ हम भी तुम्हारे टीम में है, हम भी तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते हैं, तो वो और एक्साइट होती है कि हाँ ठीक है ये कुछ है तो हम सब मिल, ये मेरा ही सिर्फ काम नहीं है। उसको जैसे हम बोल देते हैं ये जाओ जाओ ये मैच कर लो तुम, इतना है तुम कर लो, लेकिन हम उसी चीज को जब बैठ के कि हाँ ऐसे डायग्राम करके हाँ ऐसे हो सकता है जब समझाते हैं, या समझाना नहीं मान लीजिए जैसे हम लोग फिर उसको ग्रेप्स कुछ दे दिए कि हाँ इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करो, वन पार्ट तुम ले लिए और तुम्हारे भाई को इतना पार्ट दे दिए, स्टोरी बिल्डिंग वर्क का पहला टास्क था वो, तो मतलब उस दिन उसके बाद भी हम उसको ऐसे दिए कि हाँ तुम राइमिंग वर्ड्स बनाओ इसके और उसके वर्ड्स के साथ खेलना, वो भी टास्क मतलब बहुत भूखा, उसका भी पता चला हमें भी उसका कितना मतलब है, मतलब अच्छा ही है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कर पाएगी। और हमें तो बहुत मजा आया मैम, जो गेम था कि आप अपने हिसाब से कि गेम डिजाइन, सानवी के फादर बोल रहे हैं, हाँ आवाज आ रही है, आपने मैम, हाँ एक्चुअली ये जो वर्कशॉप जिस टाइम पे लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन में ये रियली बच्चों के, आपने तो वीडियो 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 बंद करके बात कीजिए, शायद क्लियर आवाज आएगी। हेलो जी बोलिए। मतलब ये लॉकडाउन पीरियड में बच्चों के लिए मैडम ये जो वर्कशॉप रहा ये मतलब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था बच्चों के लिए, बिकॉज आउटसाइड जो गेम्स अभी जो बंद हो गया लॉकडाउन के कारण, बच्चे बाहर नहीं घूम पा रहे थे या हमेशा हमेशा फोन में बच्चे बिजी रहते थे, तो ये सब चीज से बच्चों को थोड़ा इससे हटके कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में एंगेज करने का मौका मिला। एंड नॉट ओनली बच्चे, इसमें पेरेंट्स भी बहुत कुछ मतलब जो चीज हम इग्नोर करते थे या बहुत जो चीज जो छोड़ चुके थे बचपन के बाद दोबारा करने का मौका नहीं मिला था, ये हमको दोबारा एक बार बच्चों के साथ मिलके ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके नॉट ओनली एज ए पेरेंट बट बच्चों में भी जो टैलेंट डेवलपमेंट है वो चीज हमें एक्सपीरियंस हुआ, बच्चे रियली एक्सप्लोर अपने आप को बहुत खूब अच्छी तरह से एक्सप्लोर किए नए नए चीज करने के लिए लोग इनकरेज हुए, सो नॉट ओनली दिस कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में बहुत हमें डेवलप करता हूँ मैडम का। बेसिकली मैं मिसेस शी यूज्ड टू बी मोर एंगेज्ड इन दिस एंड जब भी गेम्स कुछ होता था मैं मेरा भी नेटवर्क इशू है तो मैंने वीडियो ऑफ किया, आवाज थोड़ी क्लियर हो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया, आवाज आ रही है अच्छी। पहले तो मैं मैडम मंजू का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने इतना अच्छा एक हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया सारे बच्चों को कि उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग से कैसे वो करके सीख सकते हैं और सब बच्चों ने अपने हिसाब से अच्छा इफेक्ट लगा के अच्छे से इसमें सीखने का प्रयास किया। संस्कृति ने भी इसमें कोशिश की, मैंने उससे बहुत हेल्प की और उसमें उसमें बहुत चीजें कुछ नई जैसे इंटरेस्ट करना कुछ आप टॉपिक पे भी इसको प्ले विथ, ये नहीं कि आप उसे पढ़ाई एक बदन समझ के उसे करना, मतलब खेल खेल में इसमें सीखने का एक नया तरीका सीखा, तो ये सब हमें मंजू मैम से सीखने का मौका लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाल भवन की पूरी समिति को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक हमें अवसर प्रदान किया, तो धन्यवाद। कौन सी एक एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगी जिसमें आपको एक्सपीरियंस हुआ कि ये मतलब नई चीज दिखी बच्चों में? हाँ जैसे कि आपकी जो एक्टिविटीज से पहले भी आप बहुत सारी एक्टिविटी आई थी, मैं पूरी तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो मैं संस्कृति के साथ इंटरेक्ट इतना नहीं कर पाई,
बट जो इसका एक था कि आप एनिमल्स एनिमल्स की साउंड बनाए और उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी बेस करके आप उसे करें, तो उसने खुद सारी स्टोरी खुद से फ्रेम की और उसे खुद किया, तो उसने उसके साथ साथ क्या है सारे एनिमल्स के तो नाम ऐसे भी इतनी बढ़िया सीख रही है, कौन सा एनिमल कैसे बोल रहा है, कैसे बिहेव करता है, उसके बेस पे उसने स्टोरी भी बनाई और उसने खुद बालकनी में ग्रेप हैंग करके वो पूरा उसका खुद का था और मैंने उसे हेल्प किया और उसने वो काफी अच्छा इंजॉय भी किया और उससे सीखा भी कि क्या है उसका मोल मीन, क्या है कि मॉरल क्या था उसका, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ ये वीडियो भी अपने फेसबुक पे डाला हुआ है हमने, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा वर्कशॉप था। अगर फादर भी होंगे साथ में तो दोनों मिलके बात कर सकते हैं। फादर तो नहीं है अभी यहाँ पर, अनंत है बेबी का क्लास चल रहा है और हम लोग बहुत बहुत इंजॉय किए और मतलब पहले जब वर्कशॉप आया था अनुभव मतलब एज ए सिंपल वर्कशॉप की तरह ही मैंने सोचा था, लेकिन जब स्टार्ट किया और इतना फन वे में सीखने के लिए मिला कि बहुत हर एक एक्टिविटी इंटरेस्टिंग था और सब में कुछ कुछ नया सीखने के लिए मिलता जा रहा था, हम लोग स्टडी को कैसे इससे जोड़ते जाए ये मतलब इस वर्कशॉप की वजह से हम लोग बहुत क्लोज आ गए, हम लोग एक समय बिता रहे थे फैमिली के साथ बिता रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी मुझे लगी कि गैजेट से हटके भी हम लोग कुछ कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं वो चीजें जो पसंद है हमें लेकिन हम छोड़ चुके हैं और उनके साथ अब समय बिता रहे हैं और चीजें जो कुछ जैसे कि टेक्निक भी नई नई टेक्निक को भी यूज करना है और जो चीजें हमारी पुरानी है स्टडी से रिलेटेड है और उसको बोरिंग हम लोग को फील हो रहा है, लेकिन जब हम उस टेक्निक को यूज करके न्यू टेक्निक्स उनको यूज करके जब उसको सीख रहे हैं जैसे पीपीटी बना के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे क्या है कि वो फनी वे में हमारी लर्निंग अच्छी हो जा रही है, तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग टेक्निक है और सबसे अच्छा मुझे लगा कलर्स एक्टिविटी क्योंकि इससे ना हर कोई अपने अंदर का फीलिंग बाहर दे रहा है और सब मिलके कर रहे हैं जो कैसा अंदर से फील हो रहा है, हम जनरली उसी तरह का कलर्स यूज करते हैं और फिर जो कुछ भी अंदर है ना वो अपने आप निकल जाते हैं क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का टाइम आ गया है हम लोग हर चीज कॉपी कर रहे हैं, इंटरनेट से जाते हैं वहां से कॉपी करके ले लेते हैं, लेकिन अब क्या जब हम अपने अंदर से कलरिंग कर रहे हैं ना तो लगता है जो अंदर है हमारे जो हमारे ड्रेन्स है जो अंदर दर्द है सब कलर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है और ये भी एक रिटन वे होता है हमारे एक्सप्रेशन फील होता है, हम लोग बिना बोले एक दूसरे को समझ सकते हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा कलर्स कौन यूज कर रहे हैं, क्यों वो डार्क कलर्स क्यों यूज कर रहा है, क्यों इतना एनर्जेटिक कलर यूज कर रहा है, सोअर क्यों फील कर रहा है, मतलब साई है कौन, मतलब बिल्कुल कलर्स से हमारे सारे एक्सप्रेशन सामने आ जा रहे हैं, तो ये कलर एक्टिविटी को मुझे बहुत पसंद आया, तो ये तो मेरा एकदम पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, कल हम लोग मिलकर कलर्स किए कितना एंजॉय किए इतना एंजॉय किए कि मेरे पार्ट ऑफ डायरी हो गया, लाइफ कलरफुल अच्छी लगती है ना। हाँ बहुत हमेशा की मम्मी बात की। आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जिसमें आपको सही में बहुत अच्छा लगा। मैम पपेट मेकिंग। ओ मतलब मेरी बेटी यूजुअली बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट नहीं करती है व्हाट शी फील, तो बहुत टाइम लेती है, बट पपेट मेकिंग द मोमेंट उसने सुना तो मुझे इस तरह का बनाना है इस तरह का बनाना है, इतने आइडियाज उसके मुंह से हमने कभी नहीं सुना है, उसको आप काम बोलिए वो चुपचाप करके दे देती है, रिटेलिएशन बहुत कम है उसका, इनपुट बहुत कम रहता है, शी डू अ वर्क पपेट मेकिंग में शी वॉज वेरी हैप्पी, मैं ये बनाऊंगी आप ये वाला पपेट लेना, ये फिंगर पपेट बनाएंगे ये हैंड पपेट बनाएंगे, एंड सिंस हम मम्मी क्या है मेरी मम्मी घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है तो मटेरियल भी बहुत कम था, बट वो न्यूज़पेपर से इससे उससे कलर करके उसने किया एंड उसके बाद भी किया आपको भेजने के बाद भी वो पपेट बना रही है अभी भी, शी हैज कलेक्टेड ओरिगामी से डेली रूपाली रूपाली को कनेक्ट नहीं हो पा रही, मंजू रूपाली को देखो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो बार बार मैसेज कर रही है कुर्गी कुर्गी रूपाली
बाहर है छत किला के लिए पार्ट पे छे चार फोन करो ये जो पपेट वाली एक्टिविटी थी ना इसमें मैंने एक चीज देखी कि पपेट बहुत तरह के बच्चे ले आए सामने क्योंकि देखिए आजकल नेट पे हर चीज अवेलेबल है लेकिन उसमें से बच्चा क्या सिलेक्ट कर रहा है और घर में जो अवेलेबल है लॉकडाउन में आप शॉप तो नहीं जा रहे अदरवाइज अगर लॉकडाउन में रहता ना तो सब शॉप में बांटते या कोई आर्टिस्ट पकड़ के उससे बनवाते हैं राइट हम प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं लेकिन लॉकडाउन ने ये सिखा दिया कि जो चीजें अवेलेबल है उसी में हम बहुत सारी क्रिएशन कर सकते हैं तो जैसे अभी ओरिगेमी से बनाया मैम सारा क्या बात है तो ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन चीजें नॉलेज लेके बच्चे खुद से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम करते हैं और वो भी स्टडीज को मिक्स करके राइट शायद पपेट शो में उन्होंने साइंस या हिस्ट्री हिस्ट्री भी ली थी एक ने शिवाजी और हिस्ट्री ली थी उसने एक रामायण का एक रामायण किया था एंड हिंदी टेक्स्ट बुक से उसने सांप और मेढक की स्टोरी थी बुद्धि की जी यस यस और अनंत के भी अनंत ने भी वो पपेट बहुत क्रिएटिव बहुत डिफरेंट था वो उस तरह का मैंने भी नहीं देखा था कभी तो हर एक बच्चे का बहुत क्रिएटिव पपेट मुझे देखने मिला किसी ने सॉक्स यूज किया किसी ने न्यूज़पेपर यूज किया किसी ने पेपर्स यूज किए तो ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है लेकिन पेरेंट्स को साथ में बैठना है आप भी अगर बैठ के उसके साथ हम साथ में बैठ के बिकॉज उसके लिए इतना पॉसिबल न्यूज़पेपर से कर रही है उसको कलर करने में वो फट जाता है सो वी वर लाइक हम रात को मेरे घर में एक्चुअली एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम हम लोग रात को बैठ के फिर करते थे एवरीबॉडी सब उसकी हेल्प कर रहे हैं नाना नानी मौसी मामा सब बैठ के उसका बना रहे हैं एंड देन इसीलिए लेट हो जाता है उसका प्ले इसीलिए नहीं हुआ उसने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी हेलेन कलर की स्टोरी पढ़ी थी उसकी क्लास 3 में थी उसने पढ़ी उसने डायलॉग्स भी लिखे इम्प्रोवाइज करवाए हमारे साथ बैठ के कि मम्मा इसमें ये ऐड कर दो लेकिन हमारे पास उतने एक्टर्स ही नहीं थे तो फिर उसने छोड़ दिया उसने कहा इसको हम बाद में करेंगे नहीं नहीं एक्टर्स क्रिएट भी करना है वो भी धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन इतनी कोशिश की दैट इज इम्पोर्टेंट तो बच्चे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कब जब पेरेंट्स अच्छा और एक चीज थी उसकी मूवी राइट रूपाली नहीं मूवीज को देख के काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए एक थी मूवी घर की मुर्गी घर की मुर्गी डॉक्यूमेंट्री अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें काफी लेडीज का एक अंदर से प्रेशर निकला बाहर और किसी के यहाँ तो बच्चे मतलब लिटरली मम्मी को पकड़ के रोए तो ये इमोशंस भी निकलना बहुत जरूरी है वो रिस्पेक्ट बढ़ाता है और एक कोई पेरेंट